हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, जैसा कि सभी को पता है कि रेलवे ने एएलपी और टेक्नीशियन का एग्जाम कई शिफ्टों में कंडक्ट करवाया है और इसमें से कुछ शिफ्ट इजी आए हैं और कुछ शिफ्ट हार्ड भी आ गए हैं, जो कि बच्चों के आंसर की के बाद मार्क्स कैलकुलेट करने के बाद पता चला है। तो दोस्तों, इसी के कारण रेलवे ने भी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को हरी झंडी दे दी है, यानी कि सीबीटी 1 एग्जाम में आपका नॉर्मलाइजेशन होने वाली है, जो कि एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि कौन सा शिफ्ट टफ था, क्योंकि दोस्तों जो शिफ्ट आपका टफ था उन्हीं लोगों को इसका भरपूर फायदा होने वाला है, बाकी लोगों को इसका फायदा बहुत कम ही मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं सारी बातें इस वीडियो में। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबा दें, क्योंकि रेलवे भर्ती की पल-पल की अपडेट आपको मिलते रहती है इस चैनल पे। कोई भी न्यूज और नोटिस आता है सबसे पहले वीडियो लेके शिफ्ट में कितने कितने मार्क्स बढ़ेंगे। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाई थी नॉर्मलाइजेशन पर, जो कि आरआरबी अहमदाबाद के एक ऑफिशियल के द्वारा ही ट्वीट किया गया था और बताया गया था कि सीबीटी 1 एग्जाम में आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, उसके बाद ही आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। और उस वीडियो को दोस्तों लगभग 2 लाख लोगों ने देखा है और मैक्सिमम लोगों ने उसमें बस यही शेयर किया है कमेंट में कि सर, मेरा शिफ्ट बहुत टफ था, मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं। अगर विश्वास नहीं हो दोस्तों, तो उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से क्लिक करके आप लोग देख सकते हो। कमेंट बहुत सारे लोगों ने पूछा है और वहां पे शेयर भी किया है अपना मार्क्स। तो यहां पे मैं कोई भी आपको ऑफिशियल डेटा नहीं शेयर करने वाला हूं, क्योंकि मेरे पास अभी कोई भी ऑफिशियल डेटा नहीं है ताकि आपको शेयर कर पाऊं। बस उसी कमेंट के माध्यम से ही आपको यह सिंपल जानकारी बताना चाहूंगा और देना चाहूंगा एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे कि कौन कौन से शिफ्ट टफ थे। उसके बाद भी आप लोगों को कोई अगर और भी शिफ्ट टफ लगते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल दोस्तों, लोगों के जितने भी मैक्सिमम फीडबैक मिले हैं उसी के हिसाब से यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसा कि दोस्तों, मैक्सिमम लोगों का मैंने देखा है कि 10 तारीख वाले का थर्ड शिफ्ट, 10 तारीख का थर्ड शिफ्ट के लोगों ने बहुत सारे बताए हैं कि सर, इसमें बहुत टफ क्वेश्चन था और यहाँ पे मार्क्स भी मेरा 32-33 ही एवरेज जा रहा है बहुत लोगों का। उसके बाद दोस्तों, अगर बात करें तो आपका 14 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट के बारे में बताया गया है, उसमें भी मैक्सिमम लोगों ने बताया कि 14 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट बहुत ही टफ था और उसमें रिप्लाई भी बहुत ज्यादा आए हैं दोस्तों। एक एक लोग जिनका 14 तारीख में था वो लोग रिप्लाई करके बता रहे थे। उसके बाद देखा जाए सिंपली तो दोस्तों, 20 तारीख वाले तो सभी को मालूम होगा कि 20 तारीख के शिफ्टों में, चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट हो, सेकंड शिफ्ट हो या फिर थर्ड शिफ्ट हो, ये वाले शिफ्ट काफी टफ थे। और ये आपको जब आंसर की आई थी दोस्तों, उस समय भी आपको पता चल रहा होगा जब आंसर की ने आप लोग मिला होगा आंसर की को, उसके बाद जितने आपके मार्क्स बन रहे होंगे। उसके बाद 21 तारीख के भी शिफ्टों में आपको देखा गया, वही जो फर्स्ट शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट है, थर्ड शिफ्ट है, इसमें भी आपको कम ही मार्क्स मिलेंगे और इसमें तो आंसर भी बहुत ज्यादा गलत दिया गया था दोस्तों। हालांकि बाद में रेलवे बोर्ड ने उसको सुधारा है आंसर की को और नया जारी किया था, लेकिन इसमें भी लोगों के बहुत कम मार्क्स बन रहे थे 21 तारीख वाले फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट वाले में। अब आगे बात किया जाए तो देखते हैं 29 तारीख वाले, तो 29 तारीख वाले शिफ्टों में भी लोगों ने बहुत सारे कमेंट करके बताया कि सर, ये भी शिफ्ट बहुत टफ था, इसमें कितने कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं, ये भी पूछा था। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे अभी ये नहीं बता सकता हूं कि कौन कौन से शिफ्ट इतना ज्यादा टफ था, क्योंकि टफनेस पे डिपेंड करता है, मार्क्स टफनेस पे डिपेंड करता है कि कितना मार्क्स बढ़ेगा। जैसा कि दोस्तों आपको बता दूं कि 2016 का जो एनटीपीसी का एग्जाम था, एनटीपीसी का एग्जाम था, बहुत सारे लोगों ने दिया भी होगा, यहां पे देख भी रहोगे वीडियो, तो वहां पे मैं बताना चाहूंगा ऑफिशियल डेटा। जब आपकी नॉर्मलाइजेशन हुई थी दोस्तों, तो मैक्सिमम आपके 16-17 मार्क्स बढ़े थे। आप लोग देख सकते हो कितना बड़ा जो मार्जिन है, 16-17 मार्क्स आपके नॉर्मलाइजेशन में बढ़े थे टफ शिफ्ट वालों के, तो देख सकते हो। और अगर आपका शिफ्ट जो है थोड़ा कम टफ रहा तो उसमें आपके उसी के हिसाब से मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि उनके द्वारा एक रेशियो निकाला जाता है कि कौन कौन सा शिफ्ट कितना टफ था, उसी के हिसाब से मार्क्स दिया जाता है। आगे देखें तो 31 तारीख वाले जो शिफ्ट था दोस्तों, 31 तारीख का जो आपका सेकंड शिफ्ट हो गया, थर्ड शिफ्ट हो गया, फर्स्ट शिफ्ट हो गया, इसमें भी लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और बहुत ज्यादा कमेंट आए हैं। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कोई और शिफ्ट जो टफ था, वो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हो और शेयर कर सकते हो, एक दूसरे से रिप्लाई भी कर सकते हो। एक बात मैं बताना चाहूंगा दोस्तों ऑफिशियली यहां पे कि आपके कहने से या फिर मेरे कहने से कोई भी शिफ्ट टफ नहीं होता या फिर कोई भी शिफ्ट इजी नहीं होता। नोट करिएगा दोस्तों, आपके कहने से या मेरे कहने से कोई भी शिफ्ट टफ या इजी नहीं होता, ये रेलवे भर्ती बोर्ड डिसाइड करेगी कि कौन सा शिफ्ट टफ था, कौन सा शिफ्ट इजी था। क्योंकि ऐसे भी लोग वहां पे जाते हैं एग्जाम देने जिनको कुछ नहीं आता है, वहां पे भी उनको लगता है कि टफ शिफ्ट था, या फिर कोई बहुत ही एवरेज बच्चा हो जो कि 25-26 क्वेश्चन बना के आते हो, उनको भी लगता है कि बहुत टफ शिफ्ट था। तो दोस्तों, तैयारी भी इसमें बहुत ज्यादा ही रोल प्ले करती है। जिसकी तैयारी अच्छी है उसके लिए वही शायद जो आपको लग रहा होगा कि ये टफ शिफ्ट था, उसके लिए बहुत इजी शिफ्ट था, उसके अच्छे मार्क्स आ गए हैं 45-46। तो हम और आप कोई भी नहीं ये डिसाइड कर सकते कि कौन सा शिफ्ट टफ था, कौन सा नहीं था, ये रेलवे भर्ती बोर्ड ही डिसाइड करेगी। और अगर ये तो मैं बता रहा हूं दोस्तों कि अगर आपके शिफ्ट टफ में निकले तो आपके पक्के 5-6 मार्क्स तो पक्के बढ़ेंगे ही। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि 16-17 मार्क्स आपका बढ़ जाएगा एनटीपीसी की तरह, लेकिन ये नोट करके रखिए कि 5-6 मार्क्स अगर नॉर्मलाइजेशन होंगे तो पक्के 5-6 मार्क्स आपके बढ़ेंगे, और जिनके थोड़े कम टफ शिफ्ट होंगे उनके भी 1-2 मार्क्स बढ़ेंगे इसमें। और वैसे भी अगर देखा जाए तो दोस्तों, 20 तारीख वाले और 21 तारीख वाले जो शिफ्ट हैं, ये तो सभी को मालूम होगा कि ये शिफ्ट बहुत ही हार्ड आया था, इस वाले शिफ्ट में 20 तारीख के और 21 तारीख वालों में, तो इनको तो कंफर्म आपका पक्का रख लीजिए कि आपके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। बाकी जिनको लगता है कि उनका शिफ्ट भी टफ था, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं यहां पे। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें हमारे साथ इसी तरह के अपडेट के लिए। तो जैसे ही इसका ऑफिशियल कोई अपडेट आता है, मैं लेके आऊंगा वीडियो सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय।